हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 26 दिसंबर को आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करेगा, उसके पूरी जानकारी हम लेंगे। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि जो यूएस मार्केट है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। उसका मेन रीज़न भी एक शटडाउन है और उनके जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं आ पा रहा जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर पाया और मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करी जा रही है। तो गाइज, अब यूएस को मार्केट को देखते देखते हमारी मार्केट भी एक प्रॉफिट बुकिंग ले रही है। अगर हम बात करते हैं एफआई के बारे में, तो एफआई में इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत बाइंग हो रही है। पर अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस में देखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में देखें, तो हम देख रहे हैं कि पुट्स में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई जा रही है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट 2 या 3 कंसेक्यूटिव डेज से फॉल कर रही है। तो गाइज, अब क्या लगता है कि मार्केट हमारी फॉल और ज़्यादा करेगी कि यहीं पर ही स्टेबल हो जाएगी? कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने 20 दिसंबर को अपलोड करी थी वो नहीं देखी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको जो परफॉर्मेंसेस मेरी होती थी, कौन से मैंने ट्रेड्स ले रखे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी थी। और आज वो ट्रेड्स मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ कि उसके मैंने क्या कर रखा है। सो गाइज, हम बढ़ते हैं इन ट्रेड्स की तरफ। डीएलएफ जो मार्केट जब ओपन थी मंडे को, तो हमने ये अपने क्लाइंट्स को ट्रेड दिया था। 2500 का लॉट साइज है, सेल की सलाह दी थी 180 पे, 186 पे हमने सेल की सलाह दी, 180 पे एग्जिट करे थे। 15,000 का टारगेट हमें अचीव हो गया था। जिंदल स्टील 22,250 पे हमने इसे सेल करा था, इसका लॉट साइज है 162 पे हमने शॉर्ट करा था, 159 पे हम एग्जिट कर गए थे। गाइज, अगर आपने मेरी 20 दिसंबर वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने निफ्टी की 11,000 की कॉल ले रखी है और ये मैं तभी इसे एग्जिट करूंगा लॉस में जब ये 10,800 का लेवल तोड़ देगी। सो गाइज, 52 पे मैंने 375 यानी कि 5 लॉट ले रखे थे और मैं 30 पे एग्जिट कर गया, यानी कि मुझे 8,250 का लॉस के साथ मैं एग्जिट कर गया था। गाइज, मैंने अपने क्लाइंट्स को मदरसन सुमी 170 की पुट भी बाय करने की सलाह दी थी 3 दिन पहले 3.90 पे, जो अभी 8 रुपये के ऊपर चल रही है और अभी भी होल्ड है। यह हमें 10,000 के ऊपर का प्रॉफिट आराम से अच्छे से दे रहा है। और गाइज, मैंने 11,000 की निफ्टी की पुट भी बाय करके रखी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों बाय करके चल रहा हूँ, मुझे निफ्टी में थोड़ी बहुत डाउनसाइड लग रही है, उसकी वजह से जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो गाइस, उसको मद्देनजर में अभी भी मैंने 11,000 की निफ्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, वो भी 85 पे मैंने इसे बाय कर रखा था और ये 300 प्लस के टारगेट्स अभी भी दे रही है। गाइस, अभी भी हमें 32,000 का प्रॉफिट इसमें हो रहा है और ये स्टिल होल्ड है। तो अगर गाइस, अगर आपको लगता है कि ये मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए करा है, तो आप मेरी 20 दिसंबर की वीडियो यानी कि लास्ट प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने ये 85 पे बाय कर रखा है और 20th को 85 ही प्राइस चल रहा था। सो गाइज, अगर आपको इसके बारे में और देखना है कि मेरे क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं लाइव इंट्राडे में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी जाके भी आप देख सकते हैं। वहां पर भी मैं अपने जो परफॉर्मेंसेज हैं और उन्हें अपलोड करते रहता हूँ। गाइज, अब बढ़ते हैं कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। इन्फोसिस, PFC, DHFL, CET, मैकडोवल्स। इन्फोसिस बाय करने की सलाह दी जाएगी 5658, 667 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 638 का मेंटेन रखना पड़ेगा। PFC बाय करने की सलाह दी जाएगी 103-107 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 96 का मेंटेन रखना पड़ेगा। DHFL शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 229.80-224 के टारगेट के साथ, आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 239 का मेंटेन करना है। CET सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 1255-1239 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1280 का रखना है। सीएट हम बात करें तो टायर कंपनी है और हम जिस तरीके से देखा है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कल भी 6% गिर गए हैं, तो ये शायद एक अपमूव दे सकता है उसके रिएक्शन की वजह से। पर अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो ये एक वीक स्ट्रक्चर है, तो इसे एक ध्यान से आप ट्रेड करिएगा। गाइस, हम बात करते हैं मैकडोवल्स के बारे में, तो मैकडोवल्स को शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 604-598 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 615 का लगा के चलना है। सो गाइस, ये मैंने आपको 5 स्टॉक सजेस्ट कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड रह सकता है और उसमें हमें किस तरीके से रिएक्ट करके चलना है। सो गाइस, बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं, तो आपको पता है ये जो भी मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई है, जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हैं, ये किस तरीके से मैंने बनाए रखी है, और आपको पहले से ही समझ आ जाएगा कि ये मार्केट में किस तरीके से हमें मूव करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है इस बॉटम्स के साथ और ये जो टॉप्स को मैंने ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ रखा है, ये एक मेजर्ड शेप पैटर्न है। गाइज, ये मेडेड शेप पैटर्न का हम देख सकते हैं कि इस रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, इस रेंज के नीचे गया था, तो हमारा जो एक ये सपोर्ट बन के आ रहा था, वो सपोर्ट को इसने टेस्ट करा और वहाँ होल्ड करके हमने एक और जंप ले ली।
सो गाइस अब वो वापस उस रेंज की तरफ बढ़ रहा था, अपर साइड की तरफ, और अपर साइड में जो मैंने आपको लेवल बताया था 11,150 का लेवल गाइस वो अचीव हो सकता था, इसलिए मैंने कॉल बाय करके रखी हुई थी। अब हम बात करते हैं कि 50 जो 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैंने आपको उसी दिन बताया था जिस दिन मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था कि इसके ऊपर जाना और क्लोजिंग देना बहुत कंपलसरी है, वरना ये वहां से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। सो गाइस यही पर ही मैंने 11,000 की पुट भी बाय करके रखी हुई थी 85 रुपीज में, जो 300 का टारगेट अभी भी दे चुकी है। गाइस अब हमें देखना बाकी है कि इसने जो इसका बॉटम है, जो ट्रेंड लाइन की जो लो है, उसको एग्जैक्ट इसने टेस्ट कर लिया है और 38.2% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाके क्लोज दे दिए। गाइस अगर हम बात करें, कंपेयर करें बैंक निफ्टी और निफ्टी को, तो निफ्टी ज्यादा वीक है कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाए तो उसका 50% से ज्यादा ये नीचे गिर चुका है। यानी कि हाई और टॉप का अगर हम 100 देखें तो ये 70 पे, तो हम ये कह सकते हैं 30 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50 को भी क्रॉस नहीं करा है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने हाई और लो से 50% पर जाके ही इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे। अब हमें देखना बाकी है कि ये 50% रिट्रेसमेंट को होल्ड करता है या अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाके क्लोजिंग देता है, यानी कि जो है 26,500। गाइस जिस तरीके से मुझे लग रहा है मार्केट के बारे में, जिस तरीके से पुट्स में बाइंग हो ही जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पुट में बाइंग कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग हो रही है, तो मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो तोड़ देंगे, जो इनकी रेंज बनी हुई है उस रेंज को तोड़ के वापस नीचे जा सकते हैं, और अपने पुराने लो जिससे उसने रिकवर करा था, यानी कि 10,338 का लेवल, वहां तक शायद निफ्टी चली जाए। गाइस हम देख रहे हैं जिसकी वजह से यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ आ रहा है, हमारी मार्केट तब भी एक स्टेबल जोन में थी, एक संभल रही थी, अब हमारी मार्केट भी एक गिरने की तादाद में आ गई है। वो जो एक प्रॉब्लम मार्केट फेस कर रही है वो यूएस मार्केट की वजह से हो रही है, और भी थोड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट फेस कर रही है। अब हमें देखना बाकी है कि किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है। कोई वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। गाइस ये जो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, इसमें मैं जो अपने क्लाइंट्स को लाइव कॉल्स भी देता हूँ और जो मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, वो सारी कॉल्स में परफॉर्मेंसेज आपको इसमें शो करता हूँ। गाइस इसमें एक और मेरे को ऐड करना था, वो मैंने ऐड नहीं कर रखा गाइस, क्योंकि वहां से मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था ऐड करने के बाद, आप देख सकते हैं। वो भी मैंने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज अपने क्लाइंट्स को दी है, जब वो प्रॉफिटेबल में जाएगी तभी मैं आपको परफॉर्मेंस शो करूंगा कि गाइस वो मैंने उस लेवल पे दी थी और आप तभी से बाय कर सकते हैं। टोटल अभी अगर हम बात करें तो हमें 55,000 प्लस तक का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है अभी हमारी इस मार्केट में, जिसमें से हमने 14,000 का जो लेवल प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, और जो बाकी लेव प्रॉफिट्स है वो अभी हमने बुक नहीं करे हैं, वो भी हमारे स्टिल होल्ड के अंदर है। सो गाइस अब देखना बाकी है कि शायद मैं कल इंट्राडे सेशन के अंदर ही निफ्टी की ये जो पुट है उसे भी हटा दो, मदर सुन सुमी की जो ये पुट है उसे भी एग्जिट कर दो और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकूं। सो गाइस अगर आपको ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चाहिए, अगर आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और होल्डिंग पर्पज से भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर देख सकता है सारी चीजें आपको नीचे लिखी हुई है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सब मिल जाएगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस मेरी हर दिन देख सकें। सो गाइज अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आता है, अगर आप सोचते हैं कि मैं इसके लिए इस पर्पज से वीडियो बनाऊँ या मैं कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिससे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल सके, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो और ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ये मैं ट्रेंड्स आपको समझाते रहता हूँ ये आपको किस तरीके से लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।